दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग बरिश गए, आपके पास कोई भी काम नहीं है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लेते हैं और सारा कुछ जानकारी लेने के बाद में यहाँ पर नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो 100% आपको यहाँ पर काम मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हिमालया रिक्रूटमेंट 2024 हिमालया इज हायरिंग मल्टीपल कैटेगरी स्टाफ वो हाउ टू अप्लाई हियर आर द डिटेल्स। यहाँ पर आप कैसे आवेदन करना है सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहिए। और सारा कुछ जानकारी लेने के बाद में अगर अच्छे से नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो 100% आपको यहाँ पर काम मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हिमालया रिक्रूटमेंट 2024 हिमालया इज हायरिंग 6000 प्लस मल्टीपल पोस्ट हाउ टू अप्लाई हियर आर द ऑल डिटेल्स। यहाँ पर ऑल डिटेल्स में आपको सब कुछ बताया जाएगा। 6000 पदों पर वैकेंसियाँ चल रही हैं तो अगर आप हिमालया कंपनी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। और सारा कुछ जानकारी लेने के बाद में अगर आप आवेदन करते हैं तो 100% आपके यहाँ पर काम मिल जाएगा। जो लोग भी वीडियो को अच्छे से देखते हैं और सारा कुछ जानकारी लेने के बाद में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं उनको 100% काम मिल जाता है, क्योंकि 5 से 6 मिनट का वीडियो होता है, 5 से 6 मिनट ही लोग टाइम नहीं देना चाहते हैं तो उनका कैसे यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आपका माइंड ही जब काम नहीं कर रहा है, 5 से 6 मिनट ही जब वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से पदों पर वैकेंसियाँ चल रही है, कैसे आवेदन करना है, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। जिसमें एलिजिबल नहीं रहोगे उसके लिए भी आवेदन कर दोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इसलिए 5 से 6 मिनट का वीडियो होता है आपको देखना चाहिए पूरा लास्ट तक, तभी तो आप आवेदन करोगे अच्छे से। यहाँ पर देख सकते हैं हिमालया रिक्रूटमेंट 2024, तो यहाँ पर हिमालया रिक्रूटमेंट के लिए आपको आवेदन करना है। 10th पास और 12th पास सभी लोग इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास है तो भी आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हिमालया रिक्रूटमेंट 2024 डिटेल्स इन्फो, यहाँ पर सारा कुछ आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पर फील्ड सेल्स अहमदाबाद और सूरत के लिए आवेदन कर सकते हैं। अहमदाबाद और सूरत में बहुत सारे पदों पर वैकेंसियाँ चल रही है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव गुजरात में आवेदन कर सकते हैं, गुजरात में बहुत सारे पदों पर वैकेंसियाँ चल रही है। सेल्स एग्जीक्यूटिव की बात करें तो गुवाहाटी चेन्नई में आप आवेदन कर सकते हैं, देवघर में आवेदन कर सकते हैं इस पदों के लिए। एसोसिएट मैनेजर की बात करें तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस बेंगलुरु में आवेदन कर सकते हैं एसोसिएट मैनेजर के लिए। एचआर एसोसिएट रिक्रूटमेंट 2024 गोरेगांव में आप इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। रीजनल SCM के लिए आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो बेंगलुरु में बहुत सारे पदों पर वैकेंसी चल रही है, आप बेंगलुरु के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें दिल्ली NCR में आप आवेदन कर सकते हैं, दिल्ली NCR में आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिटेल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो भोपाल और मुंबई के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुपरवाइजर के लिए आप नागपुर के लिए आवेदन कर सकते हैं, नागपुर में पद खाली हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग इन हिमालया रिक्रूटमेंट 2024, यहाँ पर देख लीजिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु वांट टू अप्लाई फॉर हिमालया रिक्रूटमेंट 2024 नीड टू अप्लाई नोइंग ऑल अदर रूल्स इंक्लूडिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज। यहाँ पर सारा कुछ जानकारी लेने के बाद में ही आपको आवेदन करना है ताकि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। आपको कैसे भी आवेदन नहीं कर देना है, किसी भी पद के लिए आवेदन कर दोगे उस पद के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे तो आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो आपको वहाँ पर सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ लास्ट तक वीडियो को देखा करो। हु कैन अप्लाई, यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट कैन अप्लाई, यहाँ पर ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी लोग इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ट 10th पास ITI डिप्लोमा 12th एनी ग्रेजुएशन लाइक BE BTech। अगर आप 10वीं पास हैं तो भी यहाँ पर आप नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, या आपके पास कोई ग्रेजुएशन डिग्री है तो अगर आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री है तो आपको थोड़ा अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है, लेकिन आप 10वीं पास तो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट फॉर एप्लीकेशन की बात करें तो आपकी मिनिमम एज यहाँ पर 18 वर्ष तक होनी चाहिए, मैक्सिमम एज की बात करें तो 35 वर्ष तक होनी चाहिए।
अगर आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष से कम है या मैक्सिमम एज 35 वर्ष से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर इस नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। सैलरी पे स्केल की बात करें तो आपको यहाँ पर गुड अमाउंट सैलरी में देखने को मिलने वाला है, अच्छा खासा सैलरी आपको दिया जाएगा। शुरुआत में आपके पास अगर 10वीं पास है तो आपको 15,500 रुपये सैलरी मिलेगा, और अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपका सैलरी यहाँ पर 75,000 रुपये तक मिल सकता है। यानी मैक्सिमम सैलरी आपको 75,000 रुपये तक मिल सकते हैं यहाँ पर। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एप्लीकेशन की बात करें तो ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दैट द इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैव टू सबमिट टू अप्लाई फॉर दिस, यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हायर सेकेंडरी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है सारा कुछ है आपके पास होना चाहिए। आपके पास अपार्ट फॉर द ग्रेजुएशन मार्कशीट, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं 12वीं का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड भी होना चाहिए, रिज्यूम सीवी भी आपके पास में होना चाहिए। सीवी अगर आपको बनाने नहीं आता, रिज्यूम बनाने का आइडिया नहीं है आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि रिज्यूम कैसे बनाना है। सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड थ्रू डायरेक्ट इंटरव्यू विदाउट एनी टेस्ट, आपका यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा, आपका इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर सेलेक्शन होने वाला है। हाउ टू अप्लाई इन हिमालय रिक्रूटमेंट 2024, आपको यहाँ पर हिमालय रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। एप्लीकेंट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड इन द ऑफिशियल वेबसाइट, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑनलाइन ही आवेदन करना है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई भी आवेदन यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करना है, देन रीड आउट द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली, केयरफुली आपको नोटिफिकेशन को रीड करना है। टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, आपका कोई भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से रीड करना है तभी आपको आवेदन करना है। आफ्टर दैट डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद में आवेदन करना है। उसके बाद में सबसे नीचे सारा कुछ डाटा फिलअप करने के बाद में सबमिट हियर पे क्लिक करके नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस मेल आईडी पे अपना सारा कुछ डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है। मेल आईडी के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस, यहाँ पर मेल आईडी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है सारा कुछ डॉक्यूमेंट और फॉर्म फिलअप करने का लिंक भी वहीं पे बताया गया, तो डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप का लिंक जो है डाउनलोड करके उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद में इस वाले मेल आईडी पे आपको मेल करना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का डेली वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।